हेलो भाई, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो V29 5G फ़ोन है, तो वीवो V29 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने वीवो फ़ोन को आप कैसे फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं, और फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर पाएंगे वीवो V29 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं वीवो V29 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कैसे कर सकते हैं और कैसे रीसेट कर पाएंगे वीवो फ़ोन को, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना होगा। स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ओपन सेटिंग्स पर जाना है, और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिसके ज़रिए फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं। देख सकते हैं कि स्लाइड करते हुए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सिस्टम सेटिंग्स का। सिस्टम सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कर पाएंगे। जैसे आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखते हैं कि आपके पास रीसेट का ऑप्शन आ गया, जिसमें से इस पे क्लिक करना है, और फैक्ट्री रीसेट आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिंपली बस आपको ये आप डाटा दिख रहा होगा, इंटरनल स्टोरेज, गूगल अकाउंट जो भी है, इस पर जाकर आप पासवर्ड डाल देंगे, तो आप इस पर क्लिक करके फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, और फैक्ट्री रीसेट करते ही फ़ोन शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। नहीं तो आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप सर्च करके भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं इस तरीके से, रीसेट ऑप्शंस पे, और क्लिक करके यहाँ से फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हैं वीवो V29 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो